हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का। ये वाला जो स्मार्टफोन है दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट है इसका 6GB + 64GB एंड टॉप वेरिएंट जो हमारे पास में है वो है 8GB + 128GB। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो 6 + 64 आपको मिलता है 10,999 रुपए में एंड 8 + 128 आपको मिलता है 11,999 रुपए में। इंट्रोडक्टरी ऑफर में ICICI बैंक के कार्ड्स पर आपको 1,000 रुपए का ऑफ मिलेगा और 6 + 64 आपको मिल जाएगा 9,999 रुपए में एंड 8 + 128 आपको मिलेगा 10,999 रुपए का। आज की वीडियो में टेस्ट करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो और देखते भाई कि इस फोन में आपको क्या क्या दिया गया है एंड इस फोन की एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है एंड क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, सारी चीजें टेस्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिव्यू को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई रिव्यू को और सबसे पहले डब्बा खोल कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का। तो इस बड़े ही अग्रेसिव से ग्रीन कलर में आपको ये बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर हॉट 12 प्रो लिखा गया है, पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं एंड नीचे की तरफ प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते भाई बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको अपना स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, इसको अभी अपन साइड में रख देते हैं एंड देखते भाई बॉक्स कंटेंट क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले एक 18W का चार्जिंग ब्रेक। ये वाला जो स्मार्टफोन है 18W चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। उसी के अलावा टाइप ए टू टाइप सी केबल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। उसी के अलावा यहां पर आपको एक वेलकम कार्ड दिया गया है एंड उसी के साथ में कुछ एडिशनल पेपर वर्क आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको सिम इजेक्टर टूल दिया गया है एंड उसी के अलावा यहां पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया गया है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का केस है। अच्छा ही है भाई, प्राइस पॉइंट के हिसाब से केस की क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाती है। तो ये थे बॉक्स कंटेंट, बॉक्स को कर देते हैं साइड में एंड सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। फटाफट से इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं एंड भाई साहब इसकी जो डिजाइन है फोन की काफी सही है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से फोन का डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, ग्लास फ्रंट यहां पर आपको दिया गया है एंड बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। इन हैंड फील जो है फोन का अच्छा है, वेट बैलेंस भी आपको सही देखने को मिलता है, बल्कि साइड पर नहीं है, अच्छा आपको इन हैंड फील देता है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है। डिजाइन की अगर बात करें तो यहां पर आपको ऊपर की तरफ एक ग्लॉसी आइलैंड दिया गया है जिसमें दो कैमरास की हाउसिंग है, खड्डे भले से तीन है, कैमरास दो दिए गए हैं, एलईडी फ्लैश है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। साइड्स में अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, ऊपर की साइड क्लियर है, लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो सिम इजेक्टर दिया गया है एंड उसी के साथ में बॉटम में देखेंगे 3.5mm जैक दिया गया है, प्राइमरी माइक है, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल दिया गया है। ओवरऑल अगर बात करें फोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी जो है काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। इसके बाद में बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको दिया गया है 6.6 इंचेस का डिस्प्ले जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड IPS LCD पैनल दिया गया है। यहां पर आपको 90Hz का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, 180Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप क्या प्रिफर करते हो, HD+ विद 90Hz या फुल HD+ विद 60Hz, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना। डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात करें, इस फोन के अंदर जो कलर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वो काफी अच्छा दिया गया है, कलर्स शार्प आपको मिलते हैं एंड ओवरऑल जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस रहता है वो बढ़िया रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि HD+ रेजोल्यूशन है तो एकदम घटिया क्वालिटी का HD+ है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो पैनल आपको दिया गया है अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है, विविड कलर्स मिलते हैं, शार्प कलर्स मिलते हैं, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। HD+ रेजोल्यूशन है तो ऑब्वियसली वाइडवाइन L3 यहां पर दिया गया है। यहां पर जो कंटेंट वॉचिंग का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो डिसेंट रहने वाला है, फुल HD+ अगर होता तो और बेटर रहता, लेकिन यहां पर ऑप्ट किया है HD+ + 90Hz को, तो ये भी एक अच्छी बात है कि हायर रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट पर आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले की जो क्वालिटी है कलर प्रोडक्शन के मामले में वो आपको अच्छी मिल जाती है। नाउ ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो इंडोर ब्राइटनेस तो यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है, इंडोर में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर ब्राइटनेस की अगर बात करें तो आउटडोर ब्राइटनेस भी आपको डिसेंट मिल जाती है, विजिबल रहता है डिस्प्ले,
बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब से हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं बोलूंगा कि आउटडोर ब्राइटनेस जो है वो आपको 8 PAR देखने के लिए मिलती है, एकदम ऑन द लाइन देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से ब्राइटनेस के मामले में भी एक डिसेंट स्मार्टफोन है। रिफ्रेश रेट की अगर बात करेंगे तो 90 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड स्मूथनेस को आप फील यहां पर कर सकते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है स्मूथनेस का वो आपका बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ 180 Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है जो कि गेमिंग में आपको काफी हेल्प करता है, आपके जो टचेस हैं वो काफी जल्दी रजिस्टर हो जाते हैं। ओवरऑल अगर बात करें प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। इस फोन के अंदर दूसरी और चीजें बेटर आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए डिस्प्ले में थोड़ी सी कटौती की गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो यूनिएसओसी टाइगर T616 प्रोसेसर यहां पर दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर मतलब थोड़ा सा हीटिंग का इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इस फोन के साथ में बहुत ज्यादा हीटिंग का इशू मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। तकरीबन 1 घंटे के आसपास मैंने इसमें गेमिंग करी थी एंड ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, हल्का सा यहां से आपको हीटिंग फील होती है लेकिन उसको आप ओवरहीटिंग नहीं बोल सकते हैं। थर्मल मैनेजमेंट यहां पर आपको डिसेंट मिल जाता है। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया मिलती है। डे टू डे की परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कोई स्टटर्स कोई लैग्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलती है। बेंचमार्क स्कोर्स की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर मैंने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन किया था बैक टू बैक 3 बार एंड स्कोर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम में 93% की परफॉर्मेंस पर थ्रॉटल मारा था, सेकंड टाइम में 92% की परफॉर्मेंस एंड थर्ड टाइम में भी 92% की परफॉर्मेंस पर थ्रॉटल किया था। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस स्टेबल मिलने वाली है, सीपीयू थ्रॉटलिंग का ज्यादा इशू यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद में एंटीडू स्कोर्स की अगर बात करें तो एंटीडू स्कोर्स भी मैंने बैक टू बैक 3 बार रन किए थे। फर्स्ट टाइम में स्कोर आया था 2,59,714 पॉइंट्स, सेकंड टाइम में आया था 2,60,531 पॉइंट्स, थर्ड टाइम में आया था 2,59,783 पॉइंट्स। तो ऑन एन एवरेज 2,60,000 के आसपास स्कोर निकल के आता है जो कि काफी अच्छा स्कोर है। 10,000 के फोन में अगर 2,60,000 का स्कोर निकल के आ रहा है, काफी सही स्कोर निकल के आता है। एंड ये जो स्कोर है मीडियाटेक हीलियो G85 से बेटर निकल करके आ रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। इसके बाद में गीगबेंच स्कोर्स की अगर बात करेंगे तो सिंगल कोर का स्कोर आया था 364 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर का आया था 1,409 पॉइंट्स के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेंचमार्क स्कोर्स यहां पर आपके काफी इंप्रेसिव निकल के आते हैं एंड नॉट ओनली बेंचमार्क स्कोर्स, परफॉर्मेंस भी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। इसके बाद में BGMI गेम प्ले की अगर बात करें तो यहां पर आपको 40 FPS की गेमिंग का सपोर्ट मिलता है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा आपको मिलता है, बैलेंस प्लस अल्ट्रा मिलता है और HD के साथ में हाई सेटिंग आपको मिलती है। गेमिंग मैंने इसमें करके देखी थी स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग में एंड गेमिंग में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। हल्के फुल्के 1-2 frame drops आपको देखने के लिए मिलते हैं जब आप ज्यादा देर तक गेमिंग कर लेते हैं, लेकिन इनिशियल आधे घंटे में मेरे को कोई भी ड्रॉप्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिले थे। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फोन से बढ़िया निकल करके आ जाती है, चाहे डे टू डे की परफॉर्मेंस की बात करें चाहे गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करें। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है एंड ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इस फोन की काफी सही लगी मेरे को एंड रीड राइट स्पीड भी आपको बढ़िया मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर आपको बढ़िया मिलने वाली है, परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करेंगे तो 2 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही में एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। 50 MP के प्राइमरी कैमरा की अगर बात करें तो इमेजेस डिसेंट निकाल लेता है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में काफी अच्छी इमेजेस निकल करके आ जाती है। हाँ, कहीं कहीं ओवर एक्सपोजिंग का इशू आपको देखने के लिए मिलता है, लाइट कंट्रोल करने में कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन ओवरऑल प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इमेज आउटपुट बढ़िया निकल करके आ जाते हैं। स्पेशली अगर आप आउटडोर इमेजेस लेते हैं अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, कैमरा क्वालिटी आउटडोर में आपको बढ़िया मिल जाती है। इंडोर की अगर बात करेंगे तो ठीक ठाक इमेजेस निकाल लेता है, थोड़े बहुत नॉइज ग्रेन्स आ जाते हैं वहां पर दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी भाई काम आप चला सकते हैं। नाइट फोटोग्राफी की अगर बात करेंगे तो नाइट में भी डिसेंट इमेजेस निकल करके आती है, बहुत अच्छी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, डिसेंट इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल रेयर कैमरा की अगर बात करेंगे, रेयर कैमरा आपको डिसेंट मिल जाता है, 1080p में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर एंड वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसी मिलती है। रेयर कैमरा सेटअप मेरे हिसाब से डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। फ्रंट कैमरा की अगर बात करेंगे तो 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा की इमेजेस यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेल्स आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, डायनामिक रेंज आपको अच्छी मिलती है, कलर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं,
कभी कभी सेल्फी कैमरा में भी एक्सपोजिंग की दिक्कत आती है, कलर कंट्रोल करने में, लाइट कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म कर जाता है, ज्यादा दिक्कत आपको सेल्फी में भी नहीं आने वाली है। और इस फोन का जो कैमरा है उसको अपन डिटेल में टेस्ट करेंगे, डिटेल्ड कैमरा रिव्यू बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत से पहुंच जाए। अभी की तारीख में अगर बात करें कैमरा सेटअप जो है इसका वो डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, जितना मैंने टेस्ट किया है कैमरा सेटअप से मैं सेटिस्फाइड हूं, ज्यादा दिक्कत आपको कैमरा में नहीं आने वाली है। नाउ बैटरी की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी दी गई है एंड ये जो फोन है 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 18W का चार्जर बॉक्स में दिया गया है। इस फोन को मैंने रिसेंटली अभी ही थोड़ी देर पहले चार्ज किया है एंड ये जो स्मार्टफोन है चार्ज होने में तकरीबन 1 घंटा 58 मिनट के आसपास लेता है, तकरीबन 2 घंटे के आसपास आपको लगते हैं इस फोन को चार्ज करने में एंड उसके बाद में बैकअप आपको अच्छा दे जाएगा, तकरीबन 6.5 से 7.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ये बैटरी आपको निकाल करके दे सकती है। सो बैटरी का साइज आपको बढ़िया मिल जाता है, बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा, चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन अगर आप ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो बैकअप आपको दिन भर का मिल जाएगा एंड अगेन नेक्स्ट डे आपको नाइट में ही चार्ज करना पड़ेगा, इतना बैकअप ये निकाल करके दे देगा। तो बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है, बैटरी मॉड्यूल आपको बढ़िया मिल जाता है। इसके बाद में बायोमेट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड काफी फास्ट काम करता है, बढ़िया है, प्रॉम्प्ट है, एक्यूरेट है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका बढ़िया काम करता है। फेस अनलॉक की अगर बात करेंगे तो फेस अनलॉक जो है थोड़ा सा स्लो है, लिटिल स्लो आपको लगेगा लेकिन एक्यूरेट काम करता है। तो मेरे हिसाब से बायोमेट्रिक्स में भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बायोमेट्रिक्स इसके बढ़िया काम करते हैं, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स यहां पर दिए गए हैं और DTS की ट्यूनिंग के साथ में आते हैं। ऑडियो आउटपुट मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका जो स्पीकर क्वालिटी है वो कैसी है। तो इस फोन के जो स्पीकर्स हैं वो लाउड हैं, क्लियर हैं, क्रिस्प आवाज निकल के आती है, फटी हुई आवाज नहीं आती है, ऑडियो क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिलेगी। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से स्पीकर्स यहां पर आपको अच्छे दिए गए हैं, स्पीकर क्वालिटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद में अगर बात करेंगे OS के बारे में, Android 12 यहां पर दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलता है XOS 10.6। अब XOS 10.6 में आपको ब्लोटवेयर्स काफी सारे देखने को मिलते हैं एंड उनमें से आप अनस्टॉल भी बहुत कम को कर पाते हैं, तो ये एक दिक्कत आपको देखने को मिलती है। लेकिन XOS में भाई साहब आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां से आप स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल जाते हैं, MOL का सपोर्ट यहां पर दिया गया है और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स यहां पर आपको मिलते हैं एंड ओवरऑल लुक वाइज भी इसको थोड़ा सा बेटर किया गया है, लेकिन फिर भी जो ब्लोटवेयर्स हैं वो थोड़ा सा आपको एनॉय कर सकते हैं। अगर आपको ब्लोटवेयर से दिक्कत नहीं है तो OS जो है यहां पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सो रहने वाला है, सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा मजा भी आपको नहीं आने वाला है, डिसेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद में सिम स्लॉट की अगर बात करें तो यहां पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है एंड साथ ही में यहां पर आपको गैस्केट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। तो यहां पर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, साथ ही में मेमोरी कार्ड लगा करके स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही स्मार्टफोन है, 11,000 रुपए में आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 128GB का स्टोरेज आपको मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन के अंदर अच्छी मिलती है एंड फोन जो है वो गुड लुकिंग भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये जो स्मार्टफोन है आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लगा आपको स्मार्टफोन, कैसा लगा हमारा रिव्यू, कमेंट करके जरूर से अपनी राय बता देना, आपके जो कमेंट्स हैं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं तो एक कमेंट जरूर से ड्रॉप करके जाना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।